चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.2 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th एनसीईआरटी। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए बेसिकली हमें क्या पता होना चाहिए? बेसिकली यहाँ पर तीन आइडेंटिटीज़ पता होनी चाहिए, उनके बेसिस पर ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। लेकिन जब आप छोटी क्लासेस में करते हैं तो आप इसको बाय राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से भी कर लेते हैं। लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि आजकल कुछ फैकल्टीज़ जो हैं, क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ की बात कर रहे होते हैं, तो वो चाहते हैं कि उन्हीं का यूज़ करके आप इनको करें। तो ऑब्वियस ये बात है कि हम भी आपको उन्हीं का यूज़ करके ये क्वेश्चंस कराने की कोशिश करेंगे। तो हम किसकी बात कर रहे हैं आज? एक्सरसाइज दैट इज़ 3.2। तो आज हम देखेंगे कि एक्सरसाइज 3.2 को किस तरीके से करें। अब ये एक्सरसाइज है क्या? इसमें आपको कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया होगा और उसमें आपको बताया गया होगा कि किस क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है। उसी क्वाड्रेंट के लिए बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फिगर आउट करने हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने दिया है cos x इक्वल टू -1/2। और ये कहाँ पर दिया है उन्होंने? इन्होंने कहा है कि x lies in third quadrant। किसमें? थर्ड क्वाड्रेंट। और आपको याद दिलाना चाहता हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से है? कुछ इस तरीके से है थर्ड क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट था, ये सेकंड, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर आपको याद हो थोड़ा सा। अगर आपको ये बात याद है तो आपको पता होगा थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। चलिए, बेसिकली आइडेंटिटीज़ कौन सी पता होनी चाहिए उनकी बात कर लेते हैं। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपको तीन आइडेंटिटीज़ पढ़ाई गई थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स दैट इज़ इक्वल टू 1, टैन स्क्वायर एक्स दैट इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स -1, एंड वन मोर दैट इज़ कॉट स्क्वायर एक्स दैट इज़ इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स -1। ये तीनों ही आइडेंटिटी आपको लास्ट वीडियो में कराई गई हैं। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि जो आपको फंक्शन गिवन है वो इनमें से किस आइडेंटिटी में आता है। तो एज ऑफ कोर्स ये बात आप समझ सकते हैं कि वो जो है इस आइडेंटिटी में आता है। तो सिंपली आप क्या करें, इसी आइडेंटिटी को उठाइए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, और ये कॉज की वैल्यू ला के यहाँ पर प्लेस कर दीजिए। तो जिस दिन आप इसकी वैल्यू यहाँ पर प्लेस करेंगे, ये क्या है, -1/2 का होल स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 1। तो ये आपका बचेगा साइन स्क्वायर एक्स, 1 है ये वाली पार्टी उधर जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/4। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3/4 दैट इज साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3/4। और मैं आपसे कहूँ कि साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे प्लस माइनस √3/2। बात यहाँ पर क्या है, किस क्वाड्रेंट के लिए बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। किसके लिए? थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ और सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, इसका मतलब साइन क्या होगा, नेगेटिव। तो देयरफॉर एक्चुअल वैल्यू जो होगी इसकी, दैट इज साइन एक्स इक्वल टू √3/2 माइनस। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको पांच फंक्शन पता करने हैं, साइन पता है, कॉज पता है आपको, तो टैन पता करना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए एक और बात बताता हूँ कि अगर आपको साइन एक्स पता है तो आपको ये भी पता होगा साइन एक्स का उल्टा क्या होता है, कॉसेक एक्स। तो उसकी हेल्प से आप यहाँ पर क्या फाइंड कर लेंगे, कॉसेक एक्स, और वो क्या हो जाएगा, -2/√3। अगर कॉज पता है तो आप ये भी पता कर सकते हैं कि सेक एक्स क्या होगा, और वो क्या होगा, -2। अब बात करते हैं हम टेन एक्स की, और अगर टेन एक्स मुझे पता करना है तो हमें मालूम है वो क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स। क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स। वैल्यूज प्लेस कीजिए यहाँ पर, साइन एक्स दैट इज़ -√3/2, कॉज एक्स वॉट, -2। तो आपको भी मालूम है कि क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होने के बाद √3/4। तो अगर कॉट एक्स आपको पता करना है तो ये इसका रिवर्स होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4/√3।
और आपको पता है कि हमने क्या पढ़ा है कि टेन और कॉट स्क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव। तो आपने कॉसेक पता कर लिया, सेक पता कर लिया, टेन पता कर लिया, कॉट पता कर लिया, साइन पता कर लिया, कॉस पता कर लिया, तो ये ही तो आपको पता करने थे। क्वेश्चन हो गया सॉल्व, बात खत्म। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ जाते हैं तो वो कुछ इस तरीके से गिवन है। वो कहते हैं कि साइन एक्स जो है लाई कर रहा है इक्वल टू 3y5, और कहते हैं कि एक्स जो है लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। और जैसे ही सेकेंड क्वाड्रेंट की बात आएगी आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर साइन और कॉसेक जो हैं वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और बाकी सारे नेगेटिव होंगे। और आपको देखो पता भी है कि साइन एक्स कितना दे रखा है, पॉजिटिव ही दे रखा है। लेकिन आपको कौन सी आइडेंटिटी याद आती है इसको देखते ही? सबसे पहले आपको आइडेंटिटी याद आ जाती है कि हम सर इसमें यूज़ कर सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो साइन की वैल्यू जब आप इसमें डालेंगे तो स्क्वायरिंग हो जाएगी और दूसरी साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। 3y5 होल स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। इट मीन्स कॉज स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस ये आपका 9 होगा और ये आपका 25, और सॉल्व करने के बाद दैट इज 16/25। और कॉज एक्स की बात करेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस 4y5। और सही क्या होगा आपको मालूम है, कॉज क्या होना चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव होना चाहिए, तो सही होगा ये। तो अगर आपने ये पता कर लिया तो मैं आपसे कहूँ कि सेक बताइए, तो आप कहेंगे कि -5/4। मैंने कहा एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या साइन पता है तो आप कॉसेक भी बता सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ सर बता सकते हैं। वो कितना होगा, 5/3, पॉजिटिव होगा क्योंकि साइन कॉसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं। अब बात बचती है टेन एक्स की, और टेन एक्स क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स, यानी कि 3y5 अपॉन कॉज एक्स। कॉज एक्स इज वॉट, दैट इज -4y5। 5 से 5 का अंतिम संस्कार हुआ तो ये क्या आ गया, 3y4, और नेगेटिव ही होगा आपको पता है, और क्यों होगा। और ये आपका कॉटेक्स, ये क्या इतना हो जाएगा -4/3। तो आपने देखा कि कितना ईजिली हम पाँचों फंक्शंस को फिगर आउट कर पाए। चलिए और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं जो है आपको यहीं पर कराता हूँ क्योंकि बहुत कम स्पेस की ज़रूरत होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखिए क्या गिवन है। ये कहते हैं कि कॉट एक्स इक्वल टू 3y4 है, और क्वाड्रेंट जो है इसमें थर्ड है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है, ये बात आपको पता है। लेकिन आपको याद आता है कि आइडेंटिटी होती है कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगर ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9y16, और ये प्लस 1 इधर आ जाएगा, और ये sec स्क्वायर एक्स 16 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 25/16, दैट इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। और आपको भी मालूम है कि sec एक्स की वैल्यू आएगी 5/4, और क्योंकि tan और cot पॉजिटिव होगा प्लस माइनस आएगा, तो मैं क्या लगा दूँ सिर्फ यहाँ पर माइनस। और अगर आपको sec पता लग गया है तो cos पता करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो क्या होगा, -4/5। अब बात आती है sin x पता करने की, क्योंकि cot पता है तो आप tan भी लिख दीजिए कि tan कितना होगा, वो आपका 4/3 होगा। अब आपको सिर्फ cosec और sin पता करने हैं। तो cosec sin पता करना कोई बड़ा काम नहीं है, आपको मालूम है ये क्या है, tan x। आप इसको क्या लिख लेंगे, sin x अपॉन cos एक्स दैट इज इक्वल टू 4/3। साइन एक्स आपको पता करना है, कॉज एक्स की वैल्यू आपको पता है, तो ये कॉज एक्स कहाँ जाएगा, उधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। और कॉज एक्स की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या आपने फिगर आउट की है, तो -4/5। और अगर -4/5 आप फिगर आउट कर लेते हो तो आप क्या करोगे सिंपली, अगर वैसे तो कुछ खास करना नहीं है तो माइनस आ जाएगा, और माइनस का 16/15 ये आपका साइन एक्स आ गया। लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ लिटिल बिट कन्फ्यूजन लग रही है, कन्फ्यूजन ये लग रही है कि साइन एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी आ रही है डिवाइड करने पर, और साइन एक्स की वैल्यू कभी भी -1 से बड़ी नहीं हो सकती। अगर बड़ी नहीं हो सकती तो फिर क्या करना होगा, तो चेक करना होगा, यानी -1 से छोटी नहीं हो सकती और -1 से बड़ी नहीं हो सकती।
कोई नहीं, हम इसको वापस आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं, यानी कुछ लिटिल बिट हो सकता है कि यहाँ पर कन्फ्यूजन हो कि उधर जा रहा है। तो हमने क्या किया, मैंने इसको यहाँ पर इसको ब्लॉक कर दिया, इस पर बात नहीं की, और मैंने कहा कि मैं एक आइडेंटिटी यूज़ करूँगा, दैट इज़ टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। आपको क्या फाइंड करना है, टेन तो फाइंड नहीं करना, टेन फाइंड कर चुके हैं, साइन आपको फाइंड करना है, कॉसेक आपको फाइंड करना है, तो उसी में से कुछ ढूंढना पड़ेगा। तो मुझे याद आया कि एक आइडेंटिटी कॉट की फॉर्म में भी होती है, किसकी फॉर्म में, कॉट की, और वहाँ पर क्या होता है, कॉसेक होता है, क्या होता है, कॉसेक। अब आपको कॉसेक अगर मिल जाएगा तो साइन मिल जाएगा, तो कॉट की वैल्यू आप प्लेस कर दीजिए, कॉट की वैल्यू 3/4, इसका मतलब 9/16 और प्लस 1 ये इधर आ जाएगा, और ये आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स 25/4 यानी कि 5/4 दैट इज कॉसेक एक्स प्लस माइनस। तो यहाँ पर साफ साफ पता है कि साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा 4/5, वो भी किसका, माइनस का, और कॉसेक आपके सामने आ ही गया है। तो दीज आर द दिस इज द वे टू फिगर आउट द गिवन वैल्यूज बाय द हेल्प ऑफ गिवन वैल्यू ऑफ द डिफरेंट फंक्शंस। चलिए आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो वो क्या है, किस तरीके से है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है सेक की फॉर्म में गिवन है, दैट इज सेक एक्स इक्वल टू 13/5, और जो क्वाड्रेंट है वो कौन सा है, इसका फोर्थ है। फोर्थ क्वाड्रेंट समझ आते ही आप समझ जाएंगे कि वहाँ पर कॉस और सेक क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो सिंपली पुट ऑन कीजिए, क्या करेंगे आप, पुट ऑन करेंगे सिंपली कि सेक आपको मालूम है एक आइडेंटिटी होती है, और वो क्या आइडेंटिटी होती है, दैट इज टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो सेक की वैल्यू डाल दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 169/25-1, 169-25/25, और ये आपका आ गया 144/25, जो कि आपकी है टेन स्क्वायर एक्स। अगर मैं आपसे कहूँ कि टेन एक्स बताइए, तो आप कहेंगे कि सर प्लस माइनस 12/5, लेकिन मैं कहूँगा कि ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो इसका मतलब टेन क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा, नेगेटिव। और अगर ये पता कर सकते हैं तो कॉटेक्स भी पता कर सकते हैं, वो क्या होगा, -5/12। तो मोटे तौर पर मुझे यहाँ पर दो वैल्यूज़ मिल गई हैं, एक ये मिली और एक आपको ये वैल्यू मिल गई है। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर ही वैल्यू फिगर आउट कीजिए कॉज की, तो आप कॉज की वैल्यू भी बता पाएंगे मुझे, और वो होगी कितनी, 5/13। अब बात बचती है साइन की वैल्यू फाइंड करने की, तो साइन की वैल्यू कहाँ से फाइंड होगी, तो आपको याद होगा हमने पढ़ी है आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू 1। कॉज की वैल्यू आपको मालूम है, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू ये उधर जाएगा, तो 1 माइनस दैट इज 25/13। अब स्क्वायर हो रहा होगा तो क्या हो जाएगा, ये 169 हो जाएगा। सॉल्व होने के बाद ये आपका आएगा 144/169 दैट इज साइन स्क्वायर एक्स, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा साइन एक्स का 12/13, और फोर्थ क्वाड्रेंट है तो ये ऑब्वियस है क्या होगा, नेगेटिव। और अगर हमें साइन पता है तो कॉसेक पता करना कोई बड़ा काम नहीं है। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ कॉसेक, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन, एंड हेयर कॉस एक्स। तो आपने देखा कितना इजीली हम क्वेश्चंस को कर पाए। अब मैं यहीं पर साथ में क्वेश्चन नंबर 5 भी करा देता हूँ, तो आप समझ पाएंगे कैसे होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में क्या है, टेन एक्स है, वैल्यू है आपकी -5/12, क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो वो है सेकंड, और जैसे ही क्वाड्रेंट की बात सेकंड हुई तो आप समझ जाएं कि यहाँ पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, क्या होंगे,
पॉजिटिव होंगे तो बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। चलिए एनीवे देयर इज नो इशू फॉर दिस। हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं कौन सा, टेन स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। ये वन इधर आ जाएगा और टेन की वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 25/144+1। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में करा रहा हूँ क्योंकि आपको मालूम है कि कैसे करना है, कैलकुलेशन तो आपको करनी ही चाहिए। ये हो जाएगा 169/144 = sec² x और फाइनली sec x की वैल्यू होगी 13/12। और क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। और अगर मैं आपसे पूछूं cos x की वैल्यू बताएंगे तो आप बताएंगे ऐसा कुछ। तो sec मिल गया, cos मिल गया, अब आपको cot बताना है। cot तो उसी का रिवर्स होगा और वो क्या होगा, दैट इज़ 12/5, वो भी नेगेटिव। अब आपका बचता है यहाँ से sec का cos sec पता करना, और cos sec पता करने के लिए आपको sin चाहिए होगा, cos sec पता करने के लिए sin चाहिए होगा। वो किस तरीके से फाइंड होगा, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगेन sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x दैट इज़ इक्वल टू 1। sin की वैल्यू पता करनी है तो मैं 1 माइनस cos स्क्वायर x करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, 144/169। सॉल्व करने के बाद ये होगा 25/13, क्या होगा, 169 दैट इज़ साइन स्क्वायर x। और साइन x की वैल्यू की बात करूँ तो ये होगा 5/13। सेकेंड क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो आप भी बता सकते हैं कि cos x की वैल्यू कितनी होगी, 13/5। तो आपकी फर्स्ट वैल्यू ये रही जो आपको फिगर आउट करनी थी, दूसरी वैल्यू आपने ये फिगर आउट की, थर्ड वैल्यू आपने ये उसी का रिवर्स करके फिगर आउट कर ली, देन आपने साइन की वैल्यू फिगर आउट की, और लास्ट में, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपने कॉसेक की वैल्यू फिगर आउट की। तो आपने देखा कि क्वेश्चंस कितना इजी थे। तो आई होप क्वेश्चन नंबर वन, आप वन से लेकर फाइव तक आपको समझ आए होंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की, वो क्वेश्चंस कैसे करने हैं ये हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स भी इजी होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कोई अलग टाइप का कोई फॉर्मूला लगना है, लेकिन उसमें उनकी सिंपलेस्ट वैल्यू बतानी है, यानी कि वैल्यूज़ बतानी है। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर सिक्स में करूं, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब देखते हैं क्या है गिवन, गिवन है आपको साइन 765। तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए, ये पता करना है कि ये जो है 765 साइन की किस वैल्यू के नियर बाय लाई करेगा, और आपको पहले वैल्यू कम करनी होती है। तो वैल्यू कम करने के लिए अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो आपको मालूम होगा, अगर मैं आपसे कहूं कि सर 180 इंटू 4 बताइए मुझे क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर ये होगा आपका 720 और ये कितना 765। तो क्या सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 4 इंटू 180 डिग्री प्लस कितने का अंतर है, 45 का, वो हमने यहाँ लिख दिया। तो आप कहेंगे हाँ सर ये लिखिए या ये लिखिए, एक ही बात है। और अगर दोनों एक ही बात है तो मैंने आपको क्लियर करना चाहता हूँ ये ऐसा लिखा क्यों है, मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ ये रियल में क्या लिखा हुआ है, 4π + 45 लिखा हुआ है। और आपको मालूम है पाई, 2π, 3π, 4π पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, और सिर्फ साइन का देखना पड़ता है कि उसका नेगेटिव साइन आएगा या पॉजिटिव साइन आएगा। तो मैं देखता हूँ कि 4π होता कहाँ पर है, ये 0 होता है, ये आपका π/2 होता है, ये आपका पाई होता है, यहाँ आपका 2π होता है, यहाँ आपका 3π होता है, और यहाँ पर आपका 4π होता है। और 4π में क्या हो रहा है, कुछ ऐड हो रहा है इस तरीके से, ये 4π है, इसमें कुछ ऐड हो रहा है, ऐड होने पर कहाँ जाएगा ये, क्योंकि मूव तो हमेशा इसी डायरेक्शन में करेगा ऐसे, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, कहाँ आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, तो इसका मतलब ये रह जाएगा सिर्फ साइन 45 डिग्री, और जिसकी वैल्यू आपको पता होती है वो क्या होती है, 1/√2। देखा आपने कितना ईजिली इस क्वेश्चन को कर पाए।
चलिए थोड़ा क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये देखिएगा थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक नेगेटिव साइन दे रखा है। क्या दे रखा है? नेगेटिव साइन। तो ये है 1410। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ कि कॉज के अंदर अगर माइनस साइन आए तो वो नेगलेक्ट हो जाता है, लेकिन इसके अलावा किसी के अंदर अगर माइनस साइन आता है तो वो बाहर आ जाता है। तो इसके केस में भी क्या हो गया, ये बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया कॉसेक 1410। इसको भी आपको 180 के टुकड़ों में यानी कि डिवाइड करना है, बट आपको ये देखना है कि इस हिस्से में डिवाइड हो कि अंदर से एक और माइनस साइन आए, इस माइनस साइन को ख़त्म कर दे। मतलब आप समझते हैं ना कि एक बुरा काम दूसरे बुरे काम के साथ मिलके पॉजिटिव सा दिखाई देता है, दो बुरे लोग पॉजिटिव सा शो करते हैं एक दूसरे के लिए, तो कुछ वैसा ही है। एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव और आना चाहिए तभी वो ख़त्म होगा। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। अब आपने देखा कि 4 × 180 है, तो वो 4 × 180 72 के आसपास आया है, और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कुछ 8 के पास आएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस कॉसेक 8 × 180, और यहाँ पर क्योंकि उसके आसपास आ रहा है यानी कि इस पर कुछ कम करना पड़ेगा, -30 कर दिया मैंने, तो इससे कितना होगा, इतना ही आ जाएगा। तो अगर मैं इसको वापस ठीक से लिखूँ तो ये हो जाएगा कॉसेक 8π -30°। एक बात तो अगेन आपको क्लियर है कि यहाँ पर भी 8π आ रहा है, यानी पाई के फंक्शन में ही आ रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, लेकिन 8π लाई कहाँ पर करेगा। 8π ऑब्वियस है, नेगेटिव ऑड वाले इधर लाई करते हैं, इवन वाले इधर लाई करते हैं, तो यहाँ पर लाई करेगा, लेकिन कुछ माइनस हो रहा है। माइनस हो रहा है मतलब वापस इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो एक नेगेटिव और बाहर आया, तो ये क्या बचेगा, -30°, और ये भी बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का कॉसेक 30°। और कॉसेक 30° की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, ये बात आपको पता होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 को करने के लिए क्या करना, 7 तो कर लिया, 8 की बात करते हैं, उसमें क्या करना पड़ेगा। क्या गिवन है, दैट इज 10 19π/3। तो कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है, मैं देखो कैसे तोड़ता हूँ इसको। मैं इसको कुछ ऐसे कर सकता हूँ, 6 × 3 = 18 + 1, यानी कि 19π आ जाएगा। तो मैंने ब्रेक कर लिया इसको, 10 6π + π/3। और अगर मैंने ऐसा ब्रेक कर लिया तो पाई पर अगेन कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 10π/3। और 10π/3 कितना होता है, आपको पता होगा 10 60° की बात करना है, 10 60 कितना होता है, दैट इज √3। मैं आपको ये वैल्यूज़ अभी थोड़ी देर में लिखा दूंगा कि कितनी कितनी वैल्यूज़ कहाँ पर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन जो दिया है, माइनस दिया है इस बार, दैट इज़ 11π/3। वापस वही केस कि माइनस साइन बाहर आएगा और आपको अंदर से एक माइनस और लाना पड़ेगा जो इसको ख़त्म कर दें। तो हम इसको क्या लिखें इस बार, तो इस बार मैंने इसको लिखा, माइनस तो है ही, 11π/4 × 3, यानी कि 4π - π/3। आपको मालूम 4 × 3 12, 12 - 1 11π/3, तो 4π नेगलेक्ट हो जाएगा। 4π कहाँ पर है, इस जगह पर है, कुछ माइनस हो रहा है, यानी कहाँ पर पहुँचेगा, इस क्वाड्रेंट में पहुँचेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, एक नेगेटिव साइन और बाहर आया, तो फाइनली क्या बचा, दैट इज़ sin π/3। इट मीन्स sin 60° और sin 60° आपको पता है वो क्या होता है, √3/2, करेक्ट है। अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, और इसके बाद ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी, और आई होप आप इस पर कुछ प्रैक्टिस कर पाएंगे। दैट इज़ -15π/4, दैट इज़ -15π, कितना ही, 15 है, तो यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, और आपने लिख दिया 15π/4। और आपको मालूम 4 × 4 = 16 होते हैं, 16, तो आपको याद रखना चाहिए cot 16π - π/4, यानी कि 4 × 4 = 4, तो ये आपका 4 × 4 = 16 माइनस
वन दैट इज 15 पाई, और एक माइनस साइन वापस बाहर आएगा, तो क्या हो जाएगा कॉट पाई अपॉन 4, और कॉट पाई अपॉन 4 क्या होगा, आई होप आपको पता होगा 1 होगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज क्या थी, एक्सरसाइज 3.2 जो कि आपने इजीली कर पाए। देखिए आप YouTube चैनल पर पढ़ रहे हैं, कितना इजीली से बिना कहीं जाए पूरी एक्सरसाइज आपको मिल रही है, तो आई होप आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता रहे, घर बैठकर मिलता रहे और आसानी से आप कर पाएँ। थैंक यू।